Hi guys, I hope you all are doing good today. I'm Dipanshi Sethi and in this video we are going to discuss about difference between arbitration and litigation. Guys, हम लोगों ने पढ़ा था कि litigation का burden कम करने के लिए ही additional dispute resolution को introduce किया गया, जिसके अंदर चार चीजें introduce की गई, that is mediation, conciliation, arbitration and negotiation, जिसमें से दो का अलग से act बन गया, that is arbitration and conciliation act. So guys, इस video के अंदर हम discuss करेंगे कि difference क्या है litigation और arbitration के अंदर. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लिटिगेशन में जाते हो, जब आप कोई भी प्लेंट फाइल करते हो कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए आपको एक लॉयर हायर करना पड़ता है, ठीक है, और आपको कोर्ट फी देनी होती है. जो भी मैटर होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको कोर्ट फी देनी होती है. तो गाइस, ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है. बट अगर आप बात करते हो आर्बिट्रेशन की, तो उसके अंदर ये लेंथी प्रोसीजर नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई कोर्ट फी नहीं देनी होती है, राइट. उसके बाद आर्बिट्रेशन जो होता है वो कहाँ पर होगा, उसका प्लेस ऑलरेडी डिसाइड होता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर, ताकि बाद में अगर इन केस डिस्प्यूट अराइज होता है तो इस चीज पर डिस्प्यूट ना हो कि किस प्लेस पर आर्बिट्रेशन होगा. कई बारी पार्टीज आर्बिट्रेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर ये भी मेंशन कर देती हैं कि आर्बिट्रेटर कौन होगा, राइट, ताकि डिस्प्यूट अराइज ना हो. बट लिटिगेशन में जो प्लेस जो होता है वो हमेशा कोर्ट ही रहेगा. प्रोसीडिंग्स जितनी भी होंगी वो कोर्ट के अंदर होंगी. उसके बाद गाइस, जो लिटिगेशन होता है ये एक पब्लिक प्रोसीडिंग होती है. वहां पर बेसिकली कोई भी कोर्ट के अंदर आ सकता है और आपका मैटर सुन सकता है. वहां पर प्राइवेसी नहीं रहती है. बट जब आप बात करते हो आर्बिट्रेशन की, तो आर्बिट्रेशन के अंदर वो एक बहुत ही प्राइवेट प्रोसीडिंग होती है, जिसके अंदर सिर्फ तीन लोग होते हैं, दैट इज पार्टीज और दो पार्टीज. पार्टीज कितनी भी हो सकती है, अगर हम बात करें दो पार्टीज की, तो दो पार्टीज और एक आर्बिट्रेटर. नो अदर पर्सन इज अलाउड इन दैट प्रोसीडिंग. प्राइवेट प्रोसीडिंग्स कोर्ट में भी होती है, बट वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होती हैं. जैसे कि कोई भी वुमेन मोडेस्टी का केस आ गया, जैसे कि रेप का केस आ गया, तो उन केसेस के अंदर कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, बट बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया. तो गाइस, अब लिटिगेशन के अंदर एक और चीज होती है कि लिटिगेशन के अंदर कोर्ट्स जो होते हैं उनको मैंडेटरी होता है सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करना, एविडेंस एक्ट को फॉलो करना. बट आर्बिट्रेशन के अंदर जो आर्बिट्रेटर है, ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड या फिर एविडेंस एक्ट. ही इज जस्ट बाउंड टू फॉलो द नेचुरल प्रिंसिपल कि किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्बिट्रेटर है वो दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा कि वो दोनों अपने अपने एविडेंसेस को शो कर सके या अपने आर्ग्यूमेंट्स कर सके, राइट. उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेटर को पार्टीज खुद अपॉइंट करती हैं, बट लिटिगेशन के अंदर ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. वहां पर जो जज होता है वो कोर्ट अपॉइंट करती है, और आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप उसको हटा सको. और ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है कि अगर सपोज जज आपके फेवर में अगर आपके फेवर में डिसीजन अनाउंस नहीं कर रहा है, तो आपको ये लगेगा कि जज जो है दूसरी पार्टी के साथ पार्शियल है. बट ऐसा नहीं होता है. जज अपने सारे एविडेंसेस को देखने के बाद ही डिसीजन अनाउंस करते हैं, और उस केस के अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप जज को हटा सको बाय सेइंग दैट ही इज नॉट गिविंग अस द इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट. और आर्बिट्रेशन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप किस पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहते हो. उसके बाद अगला होता है कि लिटिगेशन के अंदर आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं अपील करने के. जैसे कि अगर आपने लोअर कोर्ट के अंदर पहले मैटर फाइल हुआ, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. बट आर्बिट्रेशन के अंदर बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है अपील का. उसके अंदर जैसे कि एज एन एग्जाम्पल यू कैन से कि आप अपील इस बिहाफ पे कर सकते हो कि जो आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट था वो ही सही नहीं था, या फिर आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट हुआ वो एक डिसलॉयल पर्सन था. तो इस तरह से दो चार पॉइंट ही हैं जिसके लिए आप आर्बिट्रेशन की अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद अगला आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर्बिट्रेशन जो है, अगर
बात आती है कि दो पार्टीज में से एक पार्टी जो है वो फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, तो उस केस के अंदर आर्बिट्रेशन बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि अगर जजमेंट्स होती हैं, जजमेंट्स को एनफोर्स कराना बहुत डिफिकल्ट होता है फॉरेन कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं उनका बेस आइडियली देखा जाए तो वो सही भी होते हैं कि वो बाउंड नहीं है किसी और कंट्री की जजमेंट को फॉलो करने के लिए, राइट। बट आर्बिट्रेशन के अंदर जो भी डिसीजन अनाउंस होता है, जो भी आर्बिट्रल अवार्ड अनाउंस होता है, उसको फॉलो करने के लिए वो बाउंड होते हैं। उन डिसीजन को, उन आर्बिट्रल अवार्ड्स को एनफोर्स कराना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि दे आर गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज, लाइक, राइट। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर डिफरेंस बिटवीन लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। कीप व्यूइंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।